मंदसौर ज़िले के मल्हारगढ़ कृषि उपज मंडी में आज से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए नीलामी का कार्य शुरू हुआ है। लंबे समय से मंडियां बंद थी, किसानों की सुविधाओं को देखते हुए मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने निर्देशन पर मंडियों में नीलामी कार्य प्रारंभ किया गया है। किसान मल्हारगढ़ में अपनी गेहूँ की उपज लेकर के पहुँचे। किसानों का आभार कार्ड और अन्य परिचय पत्र के माध्यम से मंडी में एंट्री दी गई। वहीं मंडी में दो गांव के किसानों को ही तारीख देकर के बुलाया जा रहा है ताकि मंडी में भीड़ न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। आज करीब 200 बोरी गेहूँ मंडी में आए जिसकी नीलामी नियम संवाददाता की रिपोर्ट। आज अपनी किसानों की जो गेहूं की उपज थी उसको नीलाम करने के लिए आए थे, क्या कुछ सुविधा यहाँ पर मिली और क्या कुछ कुछ तो किया है? सर, जो उस दिन की जो मतलब प्रशासन ने बताया है कि उनके माध्यम से चल रहा है वही पूरा मालूम हुआ है। हमारे गेट पर पासिंग भी वन बाई वन किसान के माध्यम से हुई है और जो ढेर लगा है वो भी कम से कम 2-4-5 मीटर की दूरी पर लगा है और एक ढेर पर व्यापार हमारी पूरी सहायता की है, कोई दिक्कत नहीं। जल की व्यवस्था अच्छी है, बस ये है यहाँ चाय की व्यवस्था नहीं, इसके लिए जो शासन द्वारा जो नियम बनाया गया है किस तरीके से यहाँ पर अभी गेहूँ की नीलामी हुई क्या? बहुत अच्छा शासन के जो अभी नियम बनाया ना वो कोरोना से बचने के लिए बहुत अच्छे सिस्टम बनाया है। एक एक दो दो तीन तीन गाँव को बुला रहे हैं और सिलेक्टेड जिनसे बुला रहे हैं। जैसे अभी गेहूँ का शुरू करा है तो ये भी अच्छी बात है कि इससे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी मंडी में। और जो पूरा प्रशासन दर शासन लगा हुआ है इस पर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए किसानों को भी असुविधा नहीं हो, उनसे जो भी पैसे चाहिए थे तो ठीक है उनका भी काम चलेगा, कोरोना से बचा हुआ और व्यापारी का भी काम चलेगा। शासन बनाई का पात्र है, बहुत अच्छी ये सुविधा दी है कि दो दो तीन तीन गाँव बुलाए ताकि ज़्यादा भीड़ नहीं हो, कोरोना से बचे। हाँ, आज कितनी उपज आई होगी करीब? आज लगभग 200 बोरी के लगभग आई।